बीते दिन शुक्रवार को सुबह के करीब 5 बजे जमुना एक्सप्रेस वे पर बेलगाम दौड़ रही एक इको स्पोर्ट्स कार अंडरपास पुल से टकरा गई, जिसके बाद कार के परखचे उड़ गए और उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार जिन लोगों की मौत हुई है ये लुधियाना के गिलचौक इलाके के रहने वाले प्रेम प्रकाश पपनेजा और प्रेम प्रकाश का भतीजा यादव पपनेजा व उनका साला राजेश ग्रोवर व उसका बेटा सारांश ग्रोवर और कार को चला रहे उनके ड्राइवर चंद्रवीर सिंह थे। इन पांचों की जिंदगियों ने 13 रफ्तारी के आगे अपने घुटने टेक दिए। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन इन पांचों के शवों को लेकर आज लुधियाना पहुंचे, जिनका स्थानीय शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये लोग आगरा से जाके अपने मम्मी को प्रेम बाबू अपने मम्मी के पास जा रहे थे मिलने वास्ते और रास्ते में हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया और 5 लोग थे जिसमें 4 तुरंत वो एक्सपायर हो गए और एक घायल थे और हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ दिया उन्होंने। हाँ, प्रेम बाबू के बंदे एक बेटे का था उनको आज ही था पूरा बहुत ज़्यादा सब रो रो के बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सारांश व यादव दोनों ही एक ही कॉलेज में एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग करना चाहते थे। ये भी बताया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त की 21 तारीख को यादव पपनेजा का जन्मदिन भी आने वाला था, मगर वो इसे सेलिब्रेट करने से पहले ही दुनिया से चला गया। इस घटना से इलाके में चारों तरफ मातम का माहौल बना हुआ है। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।